आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है HCF LCM पे एप्लीकेशंस जो होती हैं उस पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन क्या दे रहा है, द ट्रैफिक लाइट्स, हमारे पास जो है ट्रैफिक लाइट्स दी हुई है एट 3 डिफरेंट रोड्स, ठीक है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। आपकी जो लाइट है वो 48 सेकेंड के बाद, 72 सेकेंड के बाद, 108 सेकेंड के बाद चेंज हो रही है। इफ दे चेंज ऑल थ्री टुगेदर एट 8:20 AM, when will they change again? See, ये आपके पास क्वेश्चन, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पहली रेड लाइट है और ये 48 सेकेंड में चेंज होती है। अगर अभी ग्रीन है तो 48 सेकेंड के बाद, ठीक है, फिर वापस ग्रीन होगी, फिर रेड येलो 48 के बाद फिर इस पे आएगी। दूसरी हमारे पास क्या है, वो 72 सेकेंड में होती है। तीसरी हमारे पास क्या है, वो 108 सेकेंड में होती है। तो अगर तीनों की तीनों ग्रीन जो है 8:20 पे थी या रेड थी सपोज करो, जो भी आप कहें, तो अब किस टाइम ये दोबारा सेम होंगी। तो यहाँ हमारे पास एप्लीकेशन क्या है कि भाई हमें क्या करना है, हमें ऐसा टाइम देखना पड़ेगा जब ये तीनों की तीनों सेम आएंगे। तो हो क्या रहा है, पहली लाइट जो होगी वो 48 सेकेंड्स के डिफरेंस में चेंज होती है, मतलब पहले 48 पे अगर रेड हुई है तो फिर 96 पे रेड होगी, फिर 48 × 3 कर दीजिए, यानी कि मल्टीपल्स में चेंज होती है, ध्यान रखना। तो इसी तरह से अगर पहली 72 पे है तो फिर वो 144 सेकेंड्स में वापस आएगी, फिर जो हमारी 108 है वो 108 के बाद 216 सेकेंड के बाद आएगी। तो मल्टीपल्स में हो रहा है, तो अगर आपको ये देखना है कि तीनों कब आएंगे सेम, तो आपको तीनों का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो अगर कॉमन मल्टीपल निकालना है तो सबसे पहले कब हो जाएंगी, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 48, 72 and 108, ये हमारा क्वेश्चन है। एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके आपने सीखो, प्राइम फैक्टर से भी है, बट स्मॉलेस्ट जो हमारा होता है वो होता है 48, 72, 108। आप सेम नंबर से इनको डिवाइड करते हैं, तो जैसे 2 से आप करेंगे या 2 से ले लीजिए या जो भी जो आपका सबसे बड़ा फैक्टर आपको नजर आ रहा हो, क्योंकि तीनों को करना है। तो अगर तीनों डिविजिबल हैं सबसे बड़े फैक्टर से तो वो भी कर सकते, जैसे 4 अगर आपको दिख रहा है कि 4 से कर सकते हो, 8 से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर 12 से आपको दिख रहा है, तो एलसीएम की बात कर रहा हूँ स्पेशली, कि अगर आपको नजर आ रहा है कि तीनों सेम नंबर्स हैं तो आप कर सकते हो, फिर यहाँ प्राइम नंबर्स नहीं, जैसे मैं 12 से ले लूँ तो भी कर सकता हूँ, 12, 4 = 48, 12, 6 = 12, 9 का, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया 4, 6, 9, तो 2 से आप कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब ये 24 से तीनों थे, 24 से तो नहीं है, 24 से नहीं, तीनों नहीं थे, तो 12 से ही थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, 2 = 4, 2, 3 = 6, 9, अगेन 2 से करेंगे, अगेन 3 से करेंगे, ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या आया, 3 = 9, 2 = 18, 2 = 36, 12 × 36, 36 and 7, 43। तो आफ्टर 432 सेकेंड्स ये वापस सेम कलर में आएंगे।
तो 432 सेकंड में कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे, ये आप चेक कर सकते हो। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप 60 से डिवाइड कर दो, 420 plus 12, तो 420 में कितने हो गए, 7 मिनट 12 सेकंड। तो अगर 8:20 पे आपका ये सेम था, तो अब नेक्स्ट 8:27 12 सेकंड पे ये सेम आएगा। तो सम टाइम हमें एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं HCF LCM निकालने में, छोटी सी अपनी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आ भी जाता है कि भाई हमारे पास ये एक रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे सपोज करो एक पर्सन रन कर रहा है और वो इसका जो राउंड है वो 12 मिनट में लेता है, यहाँ पे दूसरा पर्सन है वो जो इसका राउंड लेता है वो 18 मिनट में लेता है। आपसे कह रहा है दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों के दोनों सपोज करो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों अगर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने मिनट के बाद वापस यहीं आएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। दोनों के दोनों कितने मिनट के बाद यहीं आएंगे, भाई सीधी सी बात है, पहला वाला जो आती है वो 12 मिनट में एक राउंड ले रहा है, तो 12 मिनट में आएगा या फिर 24 मिनट में आएगा या फिर 36 मिनट में आएगा या फिर 48 मिनट में आएगा, यानी कि मल्टीपल में आएगा। और दूसरा वाला जो राउंड लेता है वो 18 मिनट में लेता है, तो पहला राउंड 18 में होगा, फिर 36 में होगा, फिर 54 में होगा, इस तरह से आएगा। तो जो कॉमन है वो लेना है। तो अगर हम ऐसे ही देखें तो हमें नजर आ गया 36 मिनट के बाद दोनों यही मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आंसर जो था वो LCM था, तो इसका मतलब 36 मिनट बाद। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी चेंज कर देता है कि टोटल राउंड्स कितने हो जाएंगे जब वो मिलेंगे, आफ्टर हाउ मेनी टोटल राउंड्स दे विल मीट अगेन। तो यहाँ ध्यान रखना है फर्स्ट वाले के आपके पास 3 राउंड हो चुके होंगे, क्योंकि वो 12 मिनट में एक राउंड लेता है, तो 12 में फर्स्ट राउंड, 24 में सेकंड राउंड, 36 में तीसरा राउंड, तो तीसरा राउंड उसका कंप्लीट हो चुका होगा। और सेकंड वाला क्योंकि 18 मिनट में एक राउंड लेता है, तो 36 मिनट में उसके 2 राउंड हो चुके होंगे, तो इसका मतलब टोटल जो है 5 राउंड हो चुके होंगे। तो कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन देता है आपसे। देखो एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है, ये MBA में क्वेश्चन आ चुका है, BBA में क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, 2018 या 19 का क्वेश्चन है जो MBA में आया है, इज 3:4 एंड देयर HCF is 4, what will be LCM? ये question दिया है, ratio of two numbers is 3:4 and their HCF is 4, what will be LCM? कोई बता सकता है? option दिया है 12, 16, 24 and 48, कोई भी बता? 12, वेरी गुड। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा सोचिए जरा, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और MBA के लिए ये TBA भी आ सकता है, बहुत छोटा सा है। चलिए शाबाश, देखिए एक्चुअली क्या है बेटे, आपको बहुत ही बेसिक सा सोचना है कि भाई हमारे पास क्या है, 2 नंबर हैं, वो छोटा छोटा सा सोचिए, लेकिन उन नंबर्स का रेशो दिया हुआ है, तो एक नंबर दे दिया 3
दूसरा रेशो दे दिया 4, ठीक है, और उनका जो है HCF 4 दे दिया, और आपसे क्या कह रहा है LCM निकालो, ये मेरे पास। तो प्लीज यहां देखो जरा ध्यान से, आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि होगा क्या, जब रेशो दिया होता है तो आप सपोज करोगे कि A हमारा हो जाएगा 3x और B हमारा हो जाएगा 4x, ये बात सही है या नहीं है? जी सर। क्योंकि रेशो कांस्टेंट हम लेते हैं, जब भी रेशो दिया होता है भाई 3:4 दिया होता है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट इज A इज 3x एंड B इज 4x। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ दोबारा से कि मेरा A नंबर हो गया 3 × x और दूसरा नंबर हो गया B 4 × x। तो क्या आप में से कोई सा बच्चा मुझे बताएगा कि A है 3 और x और B है 4 और x? अगर आप इनके प्राइम फैक्टर्स करोगे तो बेटे पहले वाले का प्राइम फैक्टर्स तो यही है 3x और 4 का हो सकता है अगर आप लिखना चाहें 2 × 2 × x। तो अगर आपके पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं, वैसे तो आप बगैर प्राइम फैक्टर के भी निकाल सकते थे, लेकिन प्राइम फैक्टर्स अगर होते हैं तो फिर हम HCF निकाल सकते हैं। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इससे HCF क्या आया? एक फैक्टर था 3x, दूसरा था 4x या 2 × 2 × x, तो HCF क्या है इसमें? x है, वेरी गुड, क्योंकि कॉमन सिर्फ x ही है, लेकिन उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सर HCF 4 होगा, तो अगर HCF 4 होगा तो फिर हमारा x 4 आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, अगर हमारा HCF x आ गया तो क्या आप AB का LCM भी बता सकते हो मुझे? सर 48 3x² थोड़ा आएगा बेटे। जब आप LCM लोगे भाई तो आपको क्या करना है, आपके LCM में मैंने हमेशा कहा है जो कॉमन है वो तो आएगा ही, तो x आएगा और जो रिमेनिंग रह गया वो भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। यस और नो? जी। ठीक है, तो आपके पास क्या x कितना आया था? तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो कितना हो गया? That's 48. तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था 48 दिया हुआ था, तो 48 इज माय आंसर। आपको डायरेक्ट सोचना है, आप प्लीज दर देख लीजिए, ये तो समझाने के लिए था भाई, अगर हमारे पास नंबर दिए हुए 2 3:4 और HCF दिया है 4, तो आपसे कह रहा है LCM बताओ, तो मैं आपको यहीं पे लिख दूं सीधा सीधा सा कि भाई हमारे नंबर्स हो गए 3x एंड 4x, तो यहाँ कॉमन जो है वो x है, तो HCF हो गया 4। ठीक है सर, तो LCM हमारा क्या होगा, ये हमारा LCM होगा बस। ठीक है जी, देखो सर अगर एक आधा क्वेश्चन और मिल जाए। चलो एक क्वेश्चन इसमें बताओ, आपसे क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6 एंड LCM इज 480, तो आपसे कह रहे हैं HCF बताओ। अच्छा, मैंने एक बुक के 20 चैप्टर्स अपलोड किए हैं उसमें गूगल क्लासरूम में, जो भी उसमें एडिड है उनको सबको लिंक मिल गया होगा, 20 चैप्टर्स, 20 या 21 चैप्टर, स्पेशली उसमें 21st लास्ट जो चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर, वो स्टेटिस्टिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन का है, उसमें बहुत सारे DI के क्वेश्चन हैं, वो कर लीजिएगा प्लीज, और अलग अलग चैप्टर्स हैं अलग अलग उसके टॉपिक्स पे, तो उसे गूगल क्लासरूम में चेक कर लिए, जब चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब चाहे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, तो रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:6, LCM इज 480, तो HCF बताओ, बताइए कौन बताएगा? अगेन जो आपके नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 5x एंड 6x, अगेन जो आपका LCM है कॉमन इसमें 5 है 6 है और x है, लेकिन LCM दिया हुआ है 480। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया,
फाइव से अगर आप कैंसिल करेंगे या थर्टी से कर दीजिए, फाइव सिक्स या थर्टी होता है, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, थ्री से सिक्सटीन आ जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका एक्स आ गया वो सिक्सटीन आ गया। अब यहां अगर आप चेक करेंगे, हमारे पास एक नंबर फाइव एक्स है, दूसरा नंबर सिक्स एक्स है, तो एच सी एफ क्या है यहाँ पे, कॉमन क्या है, एक्स है, और एक्स हमारा कितना आया है, 15. ये हमारा आंसर है। गुड, देखिए ये छोटे छोटे से टॉपिक ले रहा हूं मैं। हमारे पास क्या आता है,